हेलो एस्पिरेंट्स। तो देखो, अब तुम बहुत सारे लोग NDA 1 2024 को टारगेट कर रहे रहोगे, राइट? और तुम्हारे दिल में ख्याल भी होंगे कि यार अभी तो यहाँ से 6 मंथ्स रहते हैं, तो 6 मंथ्स ठीक है, आराम से करेंगे, आराम से करेंगे। देखो, अगर तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत सारा टाइम है हमारे पास, तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि बहुत सारा टाइम नहीं है। क्योंकि बहुत सारा टाइम क्यों नहीं है, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। जितना जल्दी तुम ये चीज़ समझ जाओगे और अपने ट्रैक पे आ जाओगे, कंसिस्टेंट हो जाओगे ना चीज़ों को लेके, उतना ज़्यादा बेटर होगा। अगर हम बात करेंगे कि यार ये जो नेक्स्ट 6 मंथ्स है उसको हम कैसे प्लान आउट करें ताकि हम हमारा जो भी पोटेंशियल है वो मैक्स पोटेंशियल हो, हमारा जो भी परफॉर्मेंस हो वो एकदम परफेक्ट हो, एकदम अच्छे खासा हो, हमारा जो ग्रोथ हो वो एकदम अच्छा खासा हो, फिर तुम यहाँ पे चीज़ों को प्लान आउट करना पड़ेगा। अगर देखो, तुम्हें कभी भी तुम्हारा खुद का एकदम पोटेंशियल एकदम टॉप पे चाहिए ना, उसके लिए चीज़ों को प्लान आउट करो। जब तक तुम चीज़ों को प्लान आउट नहीं करोगे, तब तक तुम्हें खुद समझ नहीं आएगा मैं कर क्या रहा हूँ, मेरा कितना हो चुका है प्रिपरेशन, कितना नहीं हुआ है। ओके? तो यहाँ पे प्लानिंग मतलब मंथली प्लानिंग करो यार, वीकली प्लानिंग करो। जब तुम ये चीजें प्लानिंग्स में आओगे ना, तुम देखोगे यार तुम डे बाय डे प्रोडक्टिव होते जाओगे, डे बाय डे। हाँ, और जितना तुम्हारा प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा उतना रिजल्ट अच्छा आएगा, राइट? तो देखो, यहाँ से अगर हम डिस्कस करेंगे तो यू हैव अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च और एक अप्रैल भी है, क्योंकि तुम्हारा जो एग्जाम है अप्रैल वाला वो कब होने वाला है, अप्रैल 21 को। तो यहाँ से 1 महीना पकड़ के चल सकते हैं, बट तुम ना ये अप्रैल वाले पे ध्यान मत देना। क्यों? क्योंकि ये जो अप्रैल का 1 महीना होगा ना, उसमें तुम सिर्फ और सिर्फ मॉक्स, रिवीजन, एनालिसिस, यही चीजें करो ताकि तुम्हारा जो स्कोर है ना लास्ट तक धीरे 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 इंप्रूव हो जाए। तो अप्रैल वाला मंथ जो 20 दिन होंगे पूरा मॉक्स में जाना चाहिए, रिविजन में जाना चाहिए, एनालिसिस में जाना चाहिए कि कौन सा अभी भी स्टिल वीक है, क्या है, हो गया, नहीं हुआ। ओके? बट यहाँ पे अब ये जो 6 मंथ है इसको कैसे प्लान आउट करें? देखो, अब तुम बात करोगे ना कि यार हम डायरेक्ट ये करते हैं कि एक स्पेसिफिक इस दिसंबर तक मैं अपना क्लास 12th कम्प्लीट कर लेता हूँ, क्लास 11th कम्प्लीट कर लेता हूँ, इसके बाद फिर रिविजन करूंगा, हो जाएगा। यहाँ पे ना प्रोडक्टिविटी एकदम टॉप पे चाहिए ना, तो हर एक वीक को, हर एक दिन को, हर एक मंथ को प्लान आउट करो। बट उस पर जंप करने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कितने सब्जेक्ट्स कितने हमारे पास। देखो, ये मत सोच के चलना कि बहुत टाइम आराम से करेंगे। गैट को पकड़ के चलेंगे तो हमारे पास है इंग्लिश और साइंस, इन्हीं का वेटेज सबसे ज्यादा होता है, 400 मार्क्स, राइट? इंग्लिश के 200, साइंस के 200, उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। बट इसके अलावा, बस गैट तो इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट? बट इसके अलावा और एक चीज इंपॉर्टेंट, दैट इज मैथ्स। मैथ्स में क्या क्या है हमारे पास? क्लास 11th और क्लास 12th, राइट? क्लास 11th इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th इंपॉर्टेंट है, और इसकी बात करें तो इंग्लिश, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। तो देखो, यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो अपना, पहले ना तुम मंथली प्लानिंग करो कि यार इस मंथ तक मैं ये मंथ के एंड तक मेरा ये चीजें कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये मंथ के एंड तक मेरा, क्योंकि प्लान रहेगा ना लॉन्ग टर्म, तो तुम्हें चीजें साम समझ आएंगी और उसके हिसाब से तुम्हारे जो शॉर्ट टर्म प्लान या शॉर्ट टर्म गोल्स है ना वो क्रिएट होने चाहिए। ओके? अब यहाँ पे ध्यान से बात सुनो, तो मैथ्स क्लास 11, क्लास 12। अब देखो, गैट में क्या है, ये चीज है ना, ये चीज ऐसी है ना जो बहुत दिक्कत देती है, तो इस चीज को ना तुम रोज प्रैक्टिस करना। क्या करना? रोज। इस चीज को हम नहीं करेंगे कि यार एक मंथ में कंप्लीट करके छोड़ देंगे, दूसरे मंथ में कंप्लीट करके छोड़ देंगे, ये मत करो। अब देखो, यहाँ पे कैसे प्लान आउट करनी चीज है। अगर हम गैट की बात करते हैं सबसे पहले, तो यहां से अगर तुम हर एक टॉपिक को, हर एक सब्जेक्ट को एक एक मंथ भी डेडिकेट करते हो ना, तुम्हारा जो टॉपिक है या जो तुम्हारा पूरा गैट का सिलेबस है ना, वो जैन तक कंप्लीट हो जाएगा। हम पहले गैट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके? देखो, इंग्लिश तो हर एक स्लॉट में बिठा दो उसको, इंग्लिश को हर एक स्लॉट में बिठाओ, जितने महीने उतने महीने हम इंग्लिश पढ़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा चीज है जो स्कोरिंग है। ओके? इंग्लिश में सबको बिठा दिया। तो जब फर्स्ट मंथ में क्या कर लेते हैं हम, पूरा साइंस कंप्लीट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? साइंस। एक मंथ पूरा तुम साइंस को दो, क्लास 10th, क्लास 9th, और उसको एकदम अच्छे से करना। तुम अगर क्लास 10th और क्लास 9th के साइंस को कर लोगे ना, तुम्हारे ऑलमोस्ट क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो एक मंथ क्लास 10th, क्लास 9th को इनफ नहीं है, मोर देन इनफ है। तो इसके अंदर तुम क्या करो, सिर्फ क्लास 9th, क्लास 10th नहीं, इसके अंदर जो तुम्हें लग रहा है कि यार NDA में जो इंपॉर्टेंट क्लास 12th के टॉपिक्स है, क्लास 11th के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उनको भी कवर कर लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके? यहां तक तुम्हारा सबका हो चुका होगा। क्या करो, क्लास 11th और क्लास 12th के तुम मोस्ट इंपॉर्टेंट उठा लो, क्लास 10th प्लस क्लास 9th, इसको ना एकदम डिटेल में पढ़ो।
तो तुम्हारा अक्टूबर मंथ में, अक्टूबर मंथ के एंड तक इंग्लिश का कुछ पोर्शन कंप्लीट हो चुका होगा। देखो एक एक दो टॉपिक्स उठा लो इसके, अक्टूबर के मंथ में लाइक तुम एडवर्ब कर लो, नाउन्स कर लो, एडजेक्टिव कर लो, जो तुम्हें लग रहा है वो करो, स्पॉटिंग द एरर्स कर लो। ओके तो इस मंथ, और रोज थोड़े थोड़े वोकैब पे भी फोकस देता रहना, जितना वोकैब पे फोकस होगा उतना बेटर। ओके तो देखो अक्टूबर के मंथ तक तुम्हें ये पता चल जाएगा कि मेरा साइंस कंप्लीट होने वाला है। साइंस कंप्लीट हो गया, इंग्लिश भी अच्छा प्रिपेयर हो रहा है। अब जब हम नवंबर के मंथ में आएंगे, हम क्या करेंगे, हम पूरा हिस्ट्री उठा लेते हैं। देखो अगर तुम ये सोचोगे कि यार 1 महीने में कैसे होगा, 1 महीने में हो जाएगा आराम से, बट तुम्हें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा चीजों को। आज पढ़ रहे हो फिर 5th डे या 6th डे पढ़ोगे बात नहीं होगी, आज 1 घंटा दे रहे हो कल 1 घंटा दो, अगर आज 45 मिनट दे रहे हो कल 45 मिनट दो, परसों 45 मिनट दो, 30 मिनट भी दे रहे हो तो बस रोज कंसिस्टेंटली उस चीज को फॉलो करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि यार सिलेबस तो बहुत आराम से कंप्लीट हो जाएगा। और तुम्हें यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कि यार इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट चीजों पे ज्यादा फोकस रहे हमेशा। ओके तो तुम्हारा देखो नवंबर के मंथ में पूरा, एंड ऑफ नवंबर तुम्हारा हिस्ट्री कवर हो जाएगा। और देखो ऐसे क्या करना है, यहाँ पे ना तुम कुछ एक स्लॉट्स क्रिएट कर लेना, जैसे संडे संडे को, संडे को तुम सिर्फ और सिर्फ रिविजन को डेडिकेट करोगे। क्या करोगे, रिविजन को, जो भी पढ़ रहे हो पूरा रिवाइज कर लो संडे संडे को। और एक चीज बता दूं, जैसे जब तुम हिस्ट्री को कवर कर रहे हो राइट, जैसे तुमने आज कोई टॉपिक पढ़ा और कल तुम एक न्यू टॉपिक पढ़ रहे हो, न्यू टॉपिक को तभी पढ़ना जब तुम पुराने टॉपिक का रिविजन कर लो, ताकि वो धीरे धीरे ना, जब तुम यार एक ही चीज को 100, 10, 20 बार रिवाइज कर लोगे तो दिमाग में कितने आराम से बैठ जाएगी। तो ये चीज है, रिविजन जब तक तुम नहीं करोगे ना चीजों का, चीजें तुम्हें समझ नहीं आएंगी। हिस्ट्री कंप्लीट नवंबर, फिर ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। ज्योग्राफी देखो ये तुम पे है, तुम कैसे कवर करना चाहते हो, तुम बुक से रीड, अगर तुम्हें बुक प्रेफर करनी है तुम तरुण गोयल प्रेफर कर लो, तुम लूसेंट प्रेफर कर लो। ओके इसके अलावा अगर तुम्हें पता है अच्छी कोई बुक तुम उससे प्रेफर कर लो। ओके हिस्ट्री हो गया, तुम्हें ये पता चल जाएगा कि दिसंबर के एंड तक मेरा ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया राइट। एक बचा पॉलिटी, पॉलिटी कंप्लीट कर लेता हूँ। तो तुम्हें ये क्लियर है कि यार जैन के एंड तक मेरा ये सारा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, मेरा गैट एकदम अच्छे से कंप्लीट होने वाला है। मेरा इंग्लिश हो जाएगा, मेरा हिस्ट्री, मेरा पॉलिटी, मेरा ज्योग्राफी, गैट हो गया एकदम अच्छे से राइट। और हम ऐसे भी नहीं बोल रहे कि तुम एक ही महीने में सारे सब्जेक्ट्स को लेके चलो, यार एक 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 महीना डेडिकेट करोगे ना तुम्हारे ऊपर लोड भी कम आएगा, तुम चीजों को अच्छे से समझ पाओगे। क्योंकि देखो जब तुम बस एक ही चीज में घुसे हुए हो तो वो चीजें समझो ना तुम्हें कितने अच्छे से समझ आएगी। तुम हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आज भी पढ़ रहे हो, कल भी पढ़ रहे हो, परसों भी, तो लिंक भी बना रहेगा, कनेक्टिविटी भी बनी रहेगी, जो कल की चीज है वो रिलेट करके तुम आज पढ़ सकते हो। बट अगर ऐसा है कि आज हिस्ट्री भी पढ़ रहे हो पॉलिटी, तो थोड़ा सा तुम्हें वो शायद दिक्कत हो जाए, बट अगर तुम ऐसी चीजें सॉर्ट आउट करोगे ना तो क्लियर हो जाएगा। और देखो जान तक तुम्हारा पूरा गैट कंप्लीट हो जाएगा। करंट अफेयर्स की बात करें यार, करंट अफेयर्स की तुम लास्ट में वीडियोस भी देख लोगे ना किसी के भी, तो तुम्हें वहां से चीजें जाएंगी। करंट अफेयर्स में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो तुम लास्ट लास्ट में करके भी कर सकते हो। ओके अभी से न्यूज़पेपर पढ़ना, उसमें 1 घंटा देना, वो बात वाली बात नहीं है। ओके उसके बाद तुम फेब और मार्च वाला महीना वापस रिविजन में दे दो, बस और बस रिविजन, क्योंकि यहाँ तक तो तुम्हारा सब कुछ हो चुका होगा ना कवर। रिविजन दो, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगाओ। देखो जब तुम एक टॉपिक पढ़ रहे हो ना उसी टाइम पे उसके PYQs लगा लेना, ताकि तुम्हें ये समझ आ जाए कि तुम्हारी क्लैरिटी किस लेवल की है। ओके ये तुम्हारे मंथली प्लान है राइट, जैसे एक मंथ में मेरा ये कवर हो गया, सेकेंड मंथ पे ये, थर्ड मंथ पे ये, फोर्थ मंथ पे ये। अब यहाँ पे तुम क्या करो, तुम वीकली प्लान क्रिएट करो। क्या करो वीकली, अब वीकली क्या होगा, अब लाइक वीकली मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे मैं कौन से टॉपिक कवर करने वाला हूँ। देखो अब तुम्हें कैसे पता चलेगा टॉपिक कौन से कवर करूंगा, जो भी बुक तुम प्रेफर कर रहे हो उसके अंदर देख लो लाइन वाइज कौन से टॉपिक है। तो आज मैं ये वाला टॉपिक कवर करूंगा, कल मैं ये वाला टॉपिक कवर करूंगा। लाइक मंडे को मैंने इंडस वैली पढ़ लिया राइट, इंडस वैली पढ़ लिया। ट्यूजडे को मैं जैनिज्म कर लूंगा। वेनसडे को मैं बुद्धिज्म कर लूंगा पूरा। थर्सडे को मैं वैदिक लिटरेचर कर लूंगा। और इन चीजों से स्टिक रहना, जब तुम कर रहे हो कुछ चीज वीकली प्लान्स, तो देखो तुम्हारा प्रोडक्टिविटी तो हाई हो जाएगा ना। देखो अगर तुम प्लान आउट नहीं करोगे चीजों को, तुम आज कुछ और उठा रहे हो, कल कुछ और उठाओगे, परसों कुछ और उठाओगे, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। बट जब तुम एक माइंड मैप या एक काइंड ऑफ प्लानिंग कर लोगे ना वीकली, तुम्हारे दिमाग में क्लियर होगा कि यार आज ये कवर करना है सेकेंड। तो कोई भी वीक स्टार्ट होने से पहले उसकी प्लानिंग कर लो, और उसके अंदर डे वाइज प्लानिंग कर लेना। लाइक डे वाइज कैसे, कि यार इस वाले स्लॉट में मैं गैट पढ़ूंगा, इस वाले स्लॉट में मैं मैथ्स पढ़ूंगा, इस वाले स्लॉट में मैं अपने बोर्ड्स का पढ़ूंगा।
तुम समझ रहे हो ये चीज है, ये चीजें करनी जरूरी है। मंथली प्लान्स तो ये हमारे, वीकली प्लान्स मंडे टू सैटरडे का प्लान कि उसमें क्या करूंगा, संडे को रिलैक्स करो जो करने करो, बट अगर तुम इस कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करोगे ना डेफिनेटली तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ओके ये तो हो गई हमारी मैथ्स की गैट की बात, राइट। अब तुम्हें गैट की चीजें क्लियर है एकदम अच्छे से। प्रोडक्टिविटी हाई चाहिए तो मंथली वीकली डेली प्लान्स आने चाहिए तुम्हारे, तभी तुम्हारा प्रोडक्टिविटी एकदम टॉप नॉच लेवल का होगा। ओके मैथ्स की बात करेंगे तो देखो मैथ्स में हमारे पास क्लास 11th और क्लास 12th है। क्लास 11th पढ़ रखी होगी सबने, राइट। अगर हम बात करते हैं वापस, हमारे पास क्या था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च, अप्रैल को तो टच नहीं करना क्योंकि उस टाइम पे तुम सिर्फ और सिर्फ मॉक्स दोगे, है ना। अगर तुम अगर अभी तुम अपने किसमें हो, ट्वेल्थ में हो, तुम क्या करो दिसंबर तक, अगर तुम ड्रॉप आउट भी हो तुम क्या कर सकते हो, अक्टूबर से नवंबर का मंथ ना तुम क्लास 12th सिलेबस कंप्लीट करो। क्या करो, क्लास 12th सिलेबस कंप्लीट करो इन डिटेल। हम 11th के लिए भी डिस्कस करेंगे बट पहले ये देखो तुम जो भी ड्रॉप आउट्स हुए हैं क्लास 12th में, तुम अपना क्लास 12th का सिलेबस दिसंबर तक ना फिनिश करने की कोशिश करो। इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़े वो तुम पे, इसका मैथ्स का सिलेबस तुम्हारा दिसंबर तक ना कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, देखो अब ऑलमोस्ट तुम्हारे हाफ ईयरलीज हो चुके हैं, राइट। तो मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स, मोर देन हाफ चैप्टर्स तुम्हारे कवर हो चुके हैं, राइट। इसके बाद तुम्हारे कुछ 6 चैप्टर्स बचे होंगे, अगर तुम दो 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 करके भी दोगे ना, दो दो चैप्टर्स, एक महीने में दो चैप्टर, एक महीने में दो, एक महीने में दो, और इन डिटेल पढ़ रहे हो तो भी दिसंबर तक तुम्हारा ऑलमोस्ट हो जाना चाहिए वो चीज़ कवर। ओके तो ये चीज़ यहाँ पे कवर हो गई और इधर तुमने प्लानिंग भी कर ली गैट की। अब तुम्हारे पास बचा जैन फेब और मार्च, तुम क्या करो, तुम पूरे जैन मंथ के लिए क्लास 11th का रिवीजन मारो। क्या करो, क्लास 11th का रिवीजन। जब रिवीजन मारोगे ना, सिर्फ रिवीजन रिवीजन नहीं होना चाहिए, इसके अंदर क्लास 11th के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उस पर क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, पीवाईक्यूज कर लेना फिर से, ताकि चीज़ें रिफ्रेश हो जाए। ऑलमोस्ट तुमने इतनी प्रिपरेशन कर ली होगी, राइट, तुम अभी अभी पेपर दे के आए हो तो एक सब चीज़ें फ्रेश फ्रेश ही रहेगी। फिर से जैन में तुम रिविजन मारो, फॉर्मूलेज देख लो। ओके फॉर्मूलेज कर लो, सब सब चीज़ एकदम अच्छे से करना। ओके ये हो गया, यहाँ पे क्लास 11 कंप्लीट हो गया। फिर फेब में क्या कर सकते हो तुम, अच्छा तुम्हारे फेब में फिर बोर्ड्स भी होंगे तो उसको भी तुम्हें मैनेज आउट करना है। तुम्हारा क्लास 12 कंप्लीट हो गया, यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, जैन वाले मंथ में तुम लोग 1 to 130 आवर्स ना, या 1 आवर, सिर्फ 1 आवर भी तुम लोग मैथ्स के टॉपिक्स को दोगे ना वापस, तुम ऑलरेडी सारी चीज़ें पढ़ चुके हो, है ना। बस यहाँ पे 1 आवर डेडिकेट करना है सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के क्लास 11th के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करने के, फॉर्मूलेज लर्न करने के लिए और पीवाईक्यूज लगाने के लिए। यार 1 आवर मोर देन इनफ है, और रोज दोगे तो तुम्हारा आराम से 30 डेज या 45 डेज में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ओके तो तुम्हें पता है, तुम्हें जैन के मंथ में ही तुम्हारा अगर दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो गया ना इसका मैथ्स का, तो जैन के मंथ में तुम रिविजन स्टार्ट कर देना क्लास 11th प्लस क्लास 12th का। और याद रखना कि जैन 30 तक मेरी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, फेब में तुम्हारे बोर्ड्स होंगे तुम उसमें भी उलझे हुए रहोगे, राइट। उसके बाद तुम्हें फिर मार्च वाला मंथ मिलेगा जहाँ पे तुम अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, यहाँ पे तुम रिवीजन करके रख दोगे आधी आधी चीज़ें, फिर से मार्च वाला मंथ है उसमें फिर से तुम स्टार्ट कर दो, किक स्टार्ट कर दो सारी प्रिपरेशन, तुम समझे। बट मेक श्योर तुम दिसंबर तक सारी सिलेबस कंप्लीट कर लो, ताकि तुम उसके बाद जैन वाले मंथ में फ्री हो जाओ और क्लास 11th की छोटी छोटी टॉपिक्स तुम पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो उसके साथ। ऐसा नहीं कि बस क्लास 11th तो क्लास 11th ही रिवाइज कर रहे हैं, क्लास 12th को भी हल्का हल्का यार एक घंटा दोगे ना, ऑलमोस्ट तुम सारी चीज़ें पढ़ के रखे हो, एक घंटा इधर आराम से हो जाएगा। बट तुम्हें वो कंसिस्टेंटली देना पड़ेगा, ब्रेक लेना है ले लो, 1 दिन का 2 दिन का 3 दिन का, बट जब तुम 4th डे वापस प्रिपरेशन करने बैठ रहे हो ना, तुम्हारे दिमाग में कुछ और चीज़ नहीं आनी चाहिए। ओके अप्रैल वाला मंथ तो तुम्हारा रिविजन मॉक्स इसके लिए डेडिकेट कर देना। ओके तो याद रखना दिसंबर तक तुम्हारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए एकदम अच्छे से, मैथ्स के लिए तुम ये कर सकते हो। अगर अगर हम बात करेंगे कि मैथ्स के लिए क्या क्या चीज़ें करें, मैथ्स के लिए तुम सबसे पहले ना अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो भाई, कॉन्सेप्ट्स जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे उतना ज़्यादा बेटर। और अगर तुमने मैथ्स के अंदर भी डेली प्लानिंग्स लगा ली ना, तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सॉर्टेड होंगी, तुम्हारे दिमाग में ना ये नहीं चलो यार ये भी करना है वो भी करना है वो भी करना है, तुम सॉर्टेड हो ना यार आज ये पूरा दिन मैं कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, ऑलमोस्ट मैं प्रोडक्टिव हूँ, तो तुम्हारा टेंशन भी नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट्स, कुछ सिंपल क्वेश्चंस ताकि तुम्हें क्लैरिटी बैठे, उसके बाद पीवाईक्यूज करो, उसके बाद चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज लगा लेना एकदम अच्छे से। ओके अगर तुम ये चीज़ें करते हो ना एकदम अच्छे से, और ट्राई करना कि जितने हो सके क्वेश्चंस उतने क्वेश्चंस लगाओ, लेकिन एक टॉपिक पे
40-40 क्वेश्चंस, ताकि क्लैरिटी जितनी हो सके ना उतनी बैठे। तो मैथ्स को इसमें भी प्रिपेयर करना, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस, एनसीईआरटी, फिर जो तुम्हें रेफरेंस बुक करनी है रेफरेंस बुक कर लो, या तुम्हें कोई एक अरिहंत पाथफाइंडर तुम वो फॉलो करो, उसको फॉलो करो, आर एस अग्रवाल फॉलो करो, उसको फॉलो करो, दिशा पब्लिकेशन फॉलो करो, उसको फॉलो करो, ओके। बट चीज़ें एकदम बारीकी से करो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कि तुम तुम्हारे नेक्स्ट 6 मंथ्स को कैसे प्लान आउट कर सकते हो। होप यू लाइक द वीडियो गाइज, ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।